वर्तमान का अत्व प्रत्यय बोल रहे थे, यहाँ पे वर्तमान का प्रत्यय सी से वो यहाँ पे ठीक है। इसको दूसरा भी बना देना, सारा बना लेते हैं सच्चा वाले में। हाँ देखो की तो रह गई, उसके बाद सा, उसके बाद सी, या ये वाला अगर लिखेंगे तो सी फिर दोबारा सी द्वारा दिया। और ये लास्ट वाले का और क्या था, सी से ए सी से भी लगा सकते हो। हाँ से लगा। और क्या कह रहे हैं, सबसे लास्ट वाला देखते हैं प्रतीक जी, बाकी के सब आपको क्या वह भटकता है, भटकेगा ये और भटका चारों भटकता है ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, भटकेगा भटकेगा फिर है भटके, उसके बाद है भटका और भगवचन में क्या है,
चाटी ठीक है। और यहाँ क्या है ऑर्डर दे रहे हैं इसमें अन्य पुरुष है तू और तू ठीक है। क्या हो गया भाव भाव तुम हो गए है ना बटके सो मऊ बटका ये तो बहुत ही है बटका क्या हो गई मऊ भूतकाल में क्या है मैं हंसकर खेलूंगा
यहां पे मी लग जाएगा, यहां पे उ लग जाए, केला ये क्या हो जाएगा, के ली ना, ये थैंक्स के साथ उसके बाद में यहां के मु हो जाएगा ना, एल के ली ये मी हो जाएगा। लेकिन ये शब्द देखो तो लिखोगे तो प्राकृत में इसकी जो प्राकृत शब्द हस बनेगी और उसके आगे कुछ बोले तो सेम ही रहेगा, बहुत ही केवल आपको वर्तमान भूत भविष्य सीखना है, उसके बाद प्राकृत बहुत ही दिया बाकी बस कुछ आ रहा है ये बेस बन गया, उसके बाद आप चार्ट पूरा चार्ट सारा कंप्लीट कर सकते। उसमें अगर कहीं भी डाउट है वर्तमान नियमान या भूत भविष्य में तो उसको दोबारा से अच्छे से कर लेना, मुझसे पूछ लेना, कभी उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे तो एक मिनट हो गया, मेन बेस वही है, एक बार उसके दोबारा मेन बेस वही है, मेन बेस वही है, बस वहां पक्का हो गया, तो वहां पक्का हो गया, उसके बाद तो आपको कुछ नहीं है, तो जाना तो नहीं करा दो, और जब तक कुछ नहीं करोगे तो आपका तो सारा होगा, तो इतने सारे वहां पर आगे बढ़ने के बाद आपने कर लिया, मैंने छोड़ दिया था थोड़े थोड़े छोड़ दिए भी बीच में बहुत सारे होते हैं। अब देखो इसे क्या बोलेंगे, कृदंत, जो बात के बीच में क्रिया है, अरे क्रिया है तो क्या बोला, कृदंत, ठीक है, जिसमें कुछ जुड़ गया ना, अब इसको क्या नाम दिया, संबंधक भूत कृदंत, संबंधक क्योंकि संबंध बता रहा है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध जुड़ी हुई है, खाली में हंसकर अगर लिखा है तो सेंटेंस पूरा होएगा ही, उसका किसी ना किसी से संबंध रहेगा, जब तक अगर यहाँ पे लिखूं मैं हंसकर हूँ क्या बनेगा ये बात है ना, या मैं हंसकर था, मैं हंसकर का, मैं हंसकर है ना, ये जो है बनेगा एक संबंध, इसलिए बोलेंगे कि दर्द में उसका जरूर किसी ना किसी दूसरी क्रिया से संबंध रहेगा, वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। यहाँ पे भूत का क्या मतलब आया बीच में, संबंधक भूत, अब ये जो दिवाली जो है भूत में हंसकर कर चुका, कर से क्या सेंस निकल रहा है कि वो काम हो चुका है, या जब ये काम होएगा भी तो उससे पहले ये वाला काम हो चुकेगा, हंसकर निकालने तो है ना, भले ही मैं ऑर्डर ले रहा हूँ खेलू, लेकिन जब मैं खेलूंगा तो ये ना खतरा होगा उस टाइम, इसलिए इसको क्या बोला कि भूतकाल ही है ये शब्द, तो संबंधक भूत कृदंत, संबंधक इसलिए एक क्रिया को दूसरी क्रिया से संबंध है, भूत इसलिए वो काम कर चुका, और इसके लिए बहुत सिंपल प्रत्यय है भूड़, भूड़म, भूड़, भूड़म, ता और आ और ये पूरे इनमें से कुछ भी लगा सकते हो, सबसे ज्यादा ये वाला यूज करेगा, यानी कि उसके आगे बस फूल लिख दो तो क्या हो गया कर, लेकिन अब ये फूल के बाद क्या, फूल फूलम, उसके बाद दूर फूलम, दूर दूर बड़े बड़ी मात्रा है आगे नीचे
ज्यादातर जी चलेगा, हसे भी अगर करेंगे यानी कि अकारांत क्रिया को इकारांत करेंगे या एकारांत भी कर सकते हैं। इस तरह से एकारांत जैसे कोई शब्द नहीं है इसमें, लेकिन समझने की दृष्टि से एकारांत यानी कि हसे। अब देखो ये वाला पेज नंबर निकालो, बहुत इजी है, पेज नंबर 58, पार्ट नंबर 28, हंसकर। ये यही हंसी कलर की जो है पार्ट नंबर 28, पेज नंबर 58, नीचे से उदाहरण दे रहे हैं। मैं हंसकर जीता हूँ, मैं के लिए तो वही हो गया एम, हंसकर जैसी पहचान क्या है इसकी, हिंदी में बोलने को पहचान, पहचान क्या आएगा कर, पहचान क्या संबंधित दूध के दर्द की कर। पेपर में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक वाक्य लिखा होगा इसमें से संबंधित दूध के दर्द छांटो। क्या करना है, बस खाली बीच वाला वर्ड लेकर लिख दो भैया ये संबंधित दूध के दर्द है 5 नंबर, बहुत इजी आएगा। क्या है, पहचान कर, यानी कि वाक्य क्या है, मैं हंसकर जीता हूं, तो इसमें संबंधित दूध के दर्द कौन सा हुआ, हंसकर। मैं वही रहेगा ताओं के लिए क्या रहेगी, जीवमी, और हंसकर में क्या हो जाएगा, हंसी उड़, हंसी उड़, हंसी उड़म, हंसी उड़म, या हंसी उम, हंसी ता, हंसी अ, या हंसी य, ये सारे पांच। तुम हंसकर जियो, पूरे सारे क्वेश्चन है। हां एक बार प्रैक्टिस करके फिर आप एक एक बना लेना, ड्रॉप करो बस, जो भी ये सारे बनाने हैं। एक एक बार कोड लिख लिया, एक कोड लिख लिया, ये ले ऐसे कर, फिर तुम हंसकर जियो, जियो क्या हो गया, ऑर्डर, ये तो यानी क्रिया वाक्य। अब तुमके साथ ये वाक्य में क्या था, भी ही थी सुशून्य, जी ने लिख लिया क्या है, जीव, ही थी सुशून्य, कुछ भी लगा दो। उसके बाद बीच में वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, चाहे वर्तमान है चाहे भूत है, वो सब आपको ये भी सेम लगाना है, ठीक है। तो बेस आपका अगर क्लियर हो गया उसके बाद में सब में आपको ये लगाना है, सीरूड या ठीक है। अब ये वाले आपको अभ्यास करना है, नंबर में पेज नंबर 59 में निम्नलिखित वाक्यों में ऊपर सबसे लिखा है संबंधक भूत कलर के प्रत्ययों का प्रयोग, ये हम की तरह है इसका वह रोकर सोता है, ये बिना जो पहचान कर सर इसकी पहचान है। अब ये बात क्या हो गया, बताओ वह रोकर सोता है, खुलेंगे 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 खुलेंगे, बताओ रहे के लिए सोता, उसके समझ में नहीं आया वो बताओ, तो वह के लिए क्या करते हैं, तो यही याद करने की कोशिश करता था, सो के लिए हो गया सो, रोक कर छोटी होती मात्रा है रुक, ऐसे लिखना पेपर में बोला नहीं लगाना है ना, चलो अब कर लग गया तो इकार होता है, सबसे पहले इकार, उसके बाद उड़, उड़ उड़म उड़ उड़म उड़ता आया सोता है, सै वह के साथ क्या था वर्तमान काल में ई ए टी ए हो जाएगा ना, कोई डरने वाली बात नहीं है, बार बार देखोगे ना चार्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया सो रुवी गुण सही। अब पेपर में आएगा ये अगर प्राकृत अब ये ना देखे उन्होंने प्राकृत का मान लो सेंटेंस लिख दिया कि इसमें संबंधक दुख दंत छांटिए, तो क्या बनेगा, खाली आपको निकाल के क्या लिखना है, उड़ 5 नंबर बस उड़ लिख दो कि भैया इस वाक्य में संबंधक दूध का दंत क्या है, उड़, कहीं अगर लिखा है रुई उम फिर उसमें लिख दिया संबंधक दूध का दंत छांटिए तो क्या लिखना है आपको, बस उम है ना, कहीं लिखा है रुई ता ता आधा ता ऐसा ता है तो क्या लिखेंगे संबंधक दूध का दंत क्या है भाई ता, बस छांटने के लिए आया है, मतलब ये भी आ सकता है हाँ, बस फर्क क्या है, बस आपको ये लिखना है कि इस वाक्य में संबंधक भूत का दंत कौन सा है,
तो ये वाला आपको अभ्यास करना है। और सबसे लास्ट में एक सिक्स नंबर पॉइंट है, उस पर आप टिक लगा लीजिए, अर्धमालवी में संबंधक उच्चारण के लिए ताड़ ताड़म आय आय याड़ याड़म और कु प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं। इसका प्रयोग ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं पर आ जाता है तो अर्धमालवी में ये भी शब्द यूज में आते हैं, है ना। सिक्स पे टिक लगा दो, कौन कौन से लाता हूं। अभी पेन के लिए जो रहा है
तो पेन क्या है? ये संज्ञा है पेन, ये क्या हो गया? संज्ञा। तो यहाँ पर इति वाला कृत का कोई काम नहीं, वहां क्या लगेगा? कर्ता ने